नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानकी गाय नंदिनी के एंड पास। आशा और के उसके चैनल बाद में। कैसे हैं सुबह का दोस्तों, समय आप है तो सभी थोड़े से आशा बर्तन करते हैं थे, आप रात सभी को लोग बहुत भूख यहाँ पे अच्छे रख होंगे। दे रही हूँ और पानी डाल तो दे रही दोस्तों, हूँ यहाँ क्योंकि पे हो अंडे रहा है हमारे सुबह का बर्तन समय में और सूख आस्था के जाते हैं पापा कर बिल्कुल। रहे थे और आज हमारे मम्मी यहाँ, और और मैं मम्मी बस यहाँ है खड़ी मटका, थी ऐसे तो ही। उसके लिए चाची जी भी आ गई हैं कुछ जुगाड़ करके। और मतलब एक रस्सी हमारे पास अभी थी नहीं, तो चाची जी ले आई हैं रस्सी इसके लिए, मठा बमने के लिए। और चाची जी ही लगा देंगी और एक बार मठा भी भमा के दिखा देंगी। तो उसके बाद आस्था के पापा मठा भा लेंगे और जो मक्खन होगा वो निकल आएगा। तो यहाँ पे दोस्तों चाची जी देखिए लग गई हैं, और चाची जी अभी ये कह रही थी कि छान लो दही को, तो छानने में फिर बहुत अटा रही इसलिए हमने छाना नहीं है और सीधे ही रस्सी लगा के ठंडा पानी डाल के भाने लगे हैं। तो आस्था के पापा ही भाएंगे। ये बहुत ही कठिन काम होता है ये, मैंने थोड़ा सा भाया था और मतलब बहुत ही जान लगानी पड़ती है इसमें। तो मैं अपना काम करूंगी और साथ के साथ यहाँ पे ले आई हूँ देखिए ठंडा पानी इसमें डालने के लिए, और उसके बाद मैं अपना काम करने लगूंगी। तो आजकल दोस्तों रोज ही हमारे यहाँ बन रही है सिवाई, कल भी बनाई थी आज भी बनाई थी, नाश्ते के तौर पे बना दिया था, अभी घर का कुछ भी काम हुआ नहीं है, लेकिन सिवाई सुबह सुबह के लिए। अभी देखिए इतनी धूप भी नहीं निकली है, बना चढ़ा दिया था मैंने तो बन रहा था, और इधर अपना काम भी कर रही थी। अब बन गया था तो परस दिया था मैंने, और उसके बाद मैं बर्तन धोने लगी थी, अपना काम करने लगी थी। तो दोस्तों आज आस्था के पापा गए थे राशन लेने, जो फ्री राशन मिलता है सरकार के जरिए वो वाला। और उस समय फिर अब मैं करने लगी हूँ थोड़े बहुत काम, अभी मुझे नहाने जाना था। और अभी आस्था के पापा शायद गए नहीं थे, और नहीं गए, आ गए थे वहाँ से राशन लेके। तो ये आस्था के पापा ले आए हैं गेट, तो ये दोस्तों सेकंड हैंड गेट ले आए हैं। जैसे किसी का गेट रखा था और मतलब खराब हो रहा था रखे रखे, लकड़ी का क्योंकि गेट है पुराने जमाने का, तो बिल्कुल सही गेट था तो ले आए थे। अभी हमें जरूरी है ही क्योंकि पीछे की दीवार भी उठनी है, तो उसके लिए भी फिर ले आए थे खरीद के। तो दोस्तों धूप काफी हो गया है, कूलर वगैरह में मैंने पानी भर दिया था, अभी वही मैं काम कर रही थी, उसी बीच आस्था के पापा बस आ गए थे। यहाँ पे दोस्तों सभी काम करने के बाद नहा के आ गई हैं मैं और आस्था ही। आस्था ने नहीं नहाया अभी, मैंने नहा लिया है और अब थोड़ा सा तैयार हो जाएंगे। तो आस्था को मैं कह ही रही थी कि नहा लो तुम भी।
तो दोस्तों आज रिपेयरिंग होना है चूल्हा। मैं खाना पीना बनाने में लगी हूँ और भारी क्योंकि मुझे नहीं उठाना है, तो इसीलिए आज तक देखिए तसले में मिट्टी थोड़ा थोड़ा करके ला रही है। और इस चूल्हे में मैंने कहा कि तुम ला ला के मिट्टी डाल दो, थोड़ा सा चबूतरा बन जाए, जैसे ये ईंट लगाई है मैंने, और उसके बाद मैं इस पर गीली गीली मिट्टी छाप दूंगी। तो वही आस्था लेके आई है, दो तसला मिट्टी लेके आई है, तो वो मतलब पूरा हो गया और पूरा जो चूल्हे का चबूतरा था वो भर गया है। तो अभी तो मैं बना रही थी खाना, तो मैंने इसे फिलहाल तो अभी छोड़ दिया है और खाना बना लूँ, उसके बाद फिर मैं इसे सही करूँगी। तो यहाँ पे दोस्तों मैं बघारने लगी थी मठा, और लौकी उबाल लिया था, लौकी उबाल के मठे में डाल दिया है क्योंकि मठा मामा था, अपने ही घर का ताज़ा ताज़ा मठा था, तो और भी ज़्यादा मतलब मन कर रहा था कि बघार लें, मठा अच्छा लगता है। इन दिनों जो गर्मी का दिन चल रहा है, इन दिनों और भी ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। तो यहाँ पर मैंने छौंका मार दिया है मठे में, और उसके बाद बना लेंगे रोटी मठे के संग खाने के लिए। तो अब दोस्तों मैं वापस आ गई हूँ देखिए चूल्हा सही करने, क्योंकि देखिए ये सब काम अगर दोपहर में हम करते हैं तो धूप बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो अभी धूप तो ज़्यादा हो ही गई है, लेकिन था सुबह का ही समय। तो मैंने यहाँ पे गीली मिट्टी और गोबर मिक्स करके ले आई थी और यहाँ चूल्हे पे लगा दे रहे हैं। भूसा नहीं मिक्स किया है क्योंकि, और मतलब सीधे मैंने गोबर ही डाल दिया था। कल के दिन क्या होगा, थोड़ा सा और जो भी रिपेयरिंग करना होगा वो कर देंगे। अभी सिर्फ ये है कि चूल्हा सेट कर देते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पे चूल्हा सेट नहीं था और कभी चूल्हा हम इधर रख रहे थे, कभी उधर रख रहे थे, तो दिक्कतें हो रही थी। और तो मैंने कहा आज चलो इस काम को हम कर ही देते हैं बिल्कुल। और बस मैंने फिर गीली मिट्टी लाई हूँ, गोबर ले आई हूँ, ईंट वगैरह मैंने यहाँ पे पहले ही लगा दिए थे। मिट्टी आस्ताने भर दी थी, तो पानी डाल डाल के मैं बस जो ऊपर की परत वाली मिट्टी है उसे गीला कर करके इस पे ऐसे लगा दे रही हूँ ताकि थोड़ा सा लुक अच्छा दिखने लगे। तो दोस्तों मैंने इस कोने में चूल्हा लगाया है, तो आप एक बार कमेंट कीजिएगा कि इस कोने में सही रहा ना, क्योंकि ये बिल्कुल कोना पड़ रहा था। अगर काला होगा भी दीवार तो यहाँ कोने की ही दीवार काली होगी, और ये जो जगह थी वो फिर किसी काम आ भी नहीं रही थी, तो ये बिल्कुल सही रहा। और अगर चूल्हा बीच में लगाते हैं तो उसमें जब लकड़ियाँ लगाते हैं और कोई बगल से गुजरता है तो कभी कभी वो लकड़ियाँ पैर में लग जाती है और गिरने के चांस बन जाते हैं, ऐसा हुआ है क्योंकि काफ़ी बार। तो ये बिल्कुल साइड में है, इधर किसी को ऐसे आना भी नहीं है, और कोने में ही लकड़ियाँ डली रहेंगी। तो आप सभी एक बार अपनी अपनी राय दीजिएगा कि इस कोने में सही रहा है या नहीं। और फिर दूसरी जगह और चूल्हा बना भी रहे थे तो कहते हैं कि उस दिशा में रखा नहीं जाता, ऐसी कुछ बातें उभर उभर के आ रही थी। तो मुझे फिर ये सही लगा और इस दिशा में मतलब चूल्हा रखा भी जाता है, तो मुझे बिल्कुल परफेक्ट लगा ये जगह। अंधेरा बस ये है कि अंधेरा हो जाता है यहाँ पे, लेकिन बाकी सब चीज़ें सही है। और दोस्तों ये सिलेंडर से भी दूर है, मतलब पहले बीच में रखा था दोस्तों, देखिए फाइनली हमारा चूल्हा मैंने यहाँ पे घपा दिया है और मिट्टी अभी ख़त्म हो गई थी, यहाँ पे भी छापना है तो मिट्टी छापूंगी थोड़े देर में, लेकिन अभी फ़िलहाल देखिए मैंने चूल्हा यहाँ पे लगा दिया, चूल्हा यहाँ लगा दिया, चारों तरफ से मिट्टी लगा दी है, ईंटें लगा दिए हैं ताकि वो बीच वाली मिट्टी जो है वो सरके ना।
और यहाँ पे सही रहेगा, कोने में धुआं भी अगर होगा तो कोने में ही रहेगा, ऊपर जगह भी है, देखिए धुआं निकलने की भी। तो मुझे बहुत हद तक यहीं पे सही लगा। मैं इतने दिनों से आप सभी से बता भी रही थी कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं चूल्हा आखिरकार कहाँ लगाऊँ। इतने दिनों से गैस में ही खाना बना रही हूँ, चूल्हे में बना भी नहीं रही खाना, और आज फाइनली चूल्हा सेट कर दिया मैंने। और आस्था के पापा नहीं थे, लेकिन मैंने कहा चलो कोई नहीं, मैं ही कर देती हूँ। आस्था भी थी तो उसने भी हेल्प करवा दी, और फाइनली बहुत जल्दी चूल्हा सेट हो गया। यहाँ पे दोस्तों उसके बाद ये फ्रिज में कल के दिन रख दिया था तरबूज, तो ठंडा हो गया है और अब इसे काट लेते हैं। और इन दिनों गर्मियों में ये सभी चीज़ें, पानी वाली चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। बेशक सारी चीज़ें ठंडी ठंडी इन दिनों बहुत अच्छी लगती हैं। खाना जो होता है उससे ज़्यादा ये सब चीज़ें खा लो, पानी पी लो, शरबत पी लो, ये सब चीज़ें इन दिनों अच्छा लग रहा है। लेकिन रोटी तो बिल्कुल भी देखने का मन नहीं करता, चावल भी अच्छे लगते हैं इन दिनों। बाहर से देखो एक टुकड़ा, तो दोस्तों आज मुझे बनानी है मूंग दाल की बड़ी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये मसूर, सॉरी मसूर, मूंग की भी बनाऊंगी लेकिन पहले मसूर दाल की बड़ी बना दूंगी। और हमारे यहाँ बरसात के दिनों में खाई जाती है, सभी लोगों ने बना ली है, मेरी बस बड़ी बन नहीं पाई है। तो इसमें थोड़े से सामान मिला देते हैं और पीस देते हैं इसे। यहाँ पे दोस्तों मैंने ले लिया है मिर्ची और जीरा, मिला दे रहे हैं इसमें और पीसूंगी अब। और इसे मैंने अच्छे से धो लिया है फुलाने के बाद। तो दोस्तों मसूर दाल के लिए देखिए, जो मसूर है वो मैंने बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा पीसा है, पानी नहीं डाला है, क्योंकि पिसा तो पानी हो गया डालेंगे गाढ़ा तो गाढ़ा पिसा। दिक्कत होगी फिर बड़ी बनाने में, और फिर ज़्यादा मात्रा में भी हो जाएगा ये, इसीलिए सूखा सूखा ही मैंने मिक्सर में पीस दिया, बिल्कुल सूखा सूखा। मशीन चल तो नहीं रही थी, जैसे तैसे करके पीस दिया है। और आज मैं इतनी पहली बार बड़ी लगा के देख रही हूँ, और अगर अच्छी बन जाएंगी ये बढ़िया तो कल के दिन फिर से मूंग दाल की बड़ी और मैं लगाऊंगी। यहाँ पे अभी थोड़ा सा और मसूर का दाल बचा हुआ था, तो वो भी मैं उसमें मिक्सर में डाल दे रही हूँ और पीस दूंगी इसे। इतना आज के लिए कुल है, मतलब कि बड़ी लगाने के लिए। तो यहाँ पे दोपहर का समय हो रहा था दोस्तों, और जेठानी जी आ गई थी, तो मैंने कहा चलो सही हुआ कि जेठानी जी आ गई, दो लोग मिल के बड़ी लगाएंगे तो जल्दी जल्दी बरी लग जाएगी। और बिल्कुल धूप हो गया है और लपट बिल्कुल तेज तेज से चल रही थी, तो इसलिए आ गई तो चलो दो हाथ से जल्दी जल्दी बरी लग जाएगी। जेठानी जी भी अपने मन में सोच रही होंगी कि जाने कहाँ मैं फंस गई आ जाके इधर, लेकिन मैंने कहा कि चलो अब आप आ ही गए हो तो यहीं पे बरी भर देते हैं। और फिर मैंने इनके लिए शरबत वगैरह बनाया, पिला दिया था, और जो मतलब हमारे यहाँ यूपी में जो कोई आए खातिरदारी जो की जाती है वैसे मैंने किया। पे दोस्तों आस्था लग गई है झाड़ू लगाने में, मैं बड़ी ही भर रही थी, तो मैंने कहा आस्था तुम सफाई कर लो घर की, तो आस्था बेटा आज सफाई करने में लगी हुई है।
और वैसे तो बहुत अच्छे से सफाई कर देती है ये, इसका मन रहता है तो। और जब इसका मन नहीं रहता तो ऊपर ऊपर से ही झाड़ू फेर देती है, लग गई झाड़ू, हो गया काम। लेकिन आज अच्छे से घर की सफाई आस्था ने कर दी थी, और ऐसे जब काम हो जाता है ना तो अच्छा लगता है। तो दोस्तों बरी सारी लग गई है और हमने डाल दी है धूप में बरी को यहाँ पे, और थोड़ी हद तक अब सूख भी गई है, दिखाते हैं आपको। तो ये देखिए, ये है मसूर दाल की बरी, और ये मैंने थोड़ा सा ऐसे ही लगा के देखा। चलिए दोस्तों, आज का ब्लॉग हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे